प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 बजे 35 फसलों की खास किस्में देश को समर्पित की। सरकार का कहना है कि इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इनके जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के असर को कम किया जाएगा। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट PG सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया, साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, और इंतजार करना पड़ सकता है। देश में सोमवार को कोरोना के 14,902 मामले दर्ज किए गए। ये 1 मार्च के बाद सबसे कम है। 1 मार्च को 12,270 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस कम होकर सिर्फ 2,84,000 रह गए हैं। ये 194 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 18 मार्च को 2,68,000 एक्टिव केस थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामले बढ़कर 22,09,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 46,09,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 6 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। आज IPL फेज 2 में तीसरा डबल्स खेला जाएगा। पहला मैच 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की मजबूत स्थिति, मुंबई, कोलकाता और पंजाब के 8 अंक है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि गोवा के डोंबिवलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानें रनवे पर उतरेंगी। उत्तरी गोवा जिले में एक सरकारी समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर तक राज्य में 100% टीकाकरण होने के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गोवा की यात्रा करने के लिए आश्वस्त होंगे। मानसून इस बार देर से जाएगा और मानसूनी बारिश का असर देश में अभी जारी रहेगा। चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। चक्रवाती तूफान का असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, तो वहीं अब तूफान के कमजोर पड़ने के बाद उसका असर बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत में दिखेगा। आज लगातार तीसरे दिन डीजल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को डीजल 25 और पेट्रोल 20 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद यहां पेट्रोल 101.39 रुपए और डीजल 89.57 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल के दाम आज लगातार तीसरी बार बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल की कीमत में आज 22 दिन बाद बदलाव हुआ है। हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार हरे निशान में खुले। सेंसेक्स 60,285 पर और निफ्टी 17,906 पर खुला। बाजार की ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और बाजार हरे निशान से लाल निशान पर पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स 150 पॉइंट गिरकर 59,930 पर और निफ्टी 15 पॉइंट फिसलकर 17,840 पर कारोबार कर रहा है।